और 5 साल लाइफ है इसकी। ये क्या सिस्टम है, ये क्या किस लिए दिया हुआ है? फुल चार्ज में 80+ जाएगा। वायर शॉर्ट हो गया आपका, हाँ। या फिर मोटर शॉर्ट हो गया, हाँ। या फिर कंट्रोल शॉर्ट हो गया। 3 इयर्स वारंटी है, रिपेयरेबल है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल RDS ऑफिशियल गाइड में। आज हम लोग बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी के बारे में और करेंगे इसका फुल रिव्यू की कैसे, क्या इसका गारंटी है, क्या इसका लाइफ साइकिल है, कितना इसका प्राइस है और कैसे इसका सर्विस मिलेगा और मार्केट में कौन कौन इसका कंपटीटर है और इस बैटरी को लेने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। हम लोग इसका करेंगे थ्योरेटिकल और लाइव रिव्यू। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चार्ज मेथड, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज, CC CB, यानी कि वोल्टेज भी, यानी कि इसका करंट भी कांस्टेंट रहना चाहिए एकदम, और इसका वोल्टेज भी एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए, इसमें कोई वेरिएबल नहीं चाहिए। DC करंट से ये चार्ज होगा। CC CB चार्जिंग एक प्रकार की बैटरी चार्जिंग विधि है जो चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान निरंतर करंट और वोल्टेज बनाए रखती है। इसका मतलब है कि बैटरी की चार्ज स्थिति की परवाह किए बिना चार्जिंग करंट और वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है। CC CB चार्जिंग में बैटरी में करंट एक स्थिर दर से प्रवाहित होता है और बैटरी पर वोल्टेज भी स्थिर रखा जाता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि बैटरी ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग के बिना कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से चार्ज होती है। CC CB चार्जिंग का उपयोग आमतौर पर स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बैटरी चार्जर में किया जाता है, क्योंकि यह चार्जिंग गति और बैटरी सुरक्षा के बीच संतुलन प्रदान करता है। इसका उपयोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों में भी किया जाता है, जहां बैटरी को ओवरचार्ज करने के जोखिम को कम करते हुए तेज गति से चार्जिंग की आवश्यकता होती है। मैक्सिमम चार्ज वोल्ट 58.4 वोल्ट तक इसका जो है मैक्सिमम वोल्ट चार्जिंग के टाइम में जाएगा, तो आप समझ जाइए कि यह बैटरी फुल चार्ज हो गया है। स्टैंडर्ड चार्ज करंट, इसका जो चार्जिंग एम्पियर है ये 25 एम्पियर से तक आप इसको चार्ज कर सकते हैं, मैक्सिमम 25 एम्पियर से इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज टेम्परेचर 0 से 45 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में ये बैटरी जो है चार्जिंग कर रहे हैं तो सही है। मैक्सिमम कंटिन्यूस डिस्चार्ज करंट, आप अगर कंटिन्यूस इस पे 50 एम्पियर का भी लोड डाल देंगे तो इसके लिए कोई दिक्कत। 50 एम्पियर की अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट का मतलब है कि बैटरी लंबे समय तक 50 एम्पियर की निरंतर करंट की आपूर्ति कर सकती है बिना बैटरी को गर्म किए या नुकसान पहुंचाए। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यह इंगित करता है कि बैटरी लंबी अवधि में लोड करने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली प्रदान कर सकती है। पीक इंस्टेंट डिस्चार्ज करंट यानी कि बैटरी अपनी पूरी क्षमता का करंट जो है 10 सेकेंड के लिए डिलीवर कर सकते हैं। आप कैमरे के फ्लैश लाइट से समझ सकते हैं जो इंस्टेंट करंट का एक उदाहरण है, एक बार में अधिक से अधिक करंट का डिलीवर करने का। तो ऐसे कोई अगर आप जैसे इसको पिकअप लेना होगा उस समय जो है 85 एम्पियर तक का ये करंट जो है 10 सेकेंड के लिए ही आपको डिलीवर कर सकता है। पीक इंस्टेंट डिस्चार्ज टाइम 10 सेकेंड तक ये मैक्सिमम करंट जो है डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज, बैटरी लिथियम आयन बैटरी 42.4 वोल्ट पर आते ही आपका बैटरी जो है बैकअप देना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। डिस्चार्ज टेम्परेचर ये -20 सेंटीग्रेड से 65 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी आप इससे आप काम ले सकते हैं, या इससे को समझिए इससे करंट ले सकते हैं, या गाड़ी में चला रहे हैं तो गाड़ी आपका -20 सेंटीग्रेड से 65 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी ये चलेगा, काम करेगा। स्टोरेज टेम्परेचर भी -20 सेंटीग्रेड से 45 सेंटीग्रेड के आप टेम्परेचर में आप इसको स्टोरेज कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए जानते हैं एक चार्ट को ओवरव्यू करते हुए प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में। यूजेज एंड एप्लीकेशन, ये ई रिक्शा के लिए बैटरी रहेगा, ब्रांड ट्रॉनटेक का लिया है। बैटरी कैपेसिटी 85 एच,
वेट जो है इसका 40 केजी रहेगा। बैटरी टाइप लिथियम आयन, वारंटी 3 इयर्स का रहेगा। फीचर्स, नई टेक्नोलॉजी GPS इनबिल्ट रहेगा। चार्जिंग टाइम 6 घंटे के अंदर अंदर में यह बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। बैटरी लाइफ, इस कंपनी द्वारा इसका लाइफ साइकिल जो है 5 साल तक के लिए टेस्ट किया हुआ है और यह बैटरी 5 साल तक या इससे अधिक बैटरी की लाइफ रहेगी। बैटरी वोल्टेज 51.2 वोल्ट, सर्टिफाइड IP67 वाटरप्रूफ रहेगा। डायमेंशन 550x334x232 mm, यानी कि इसका फिजिकल जो लुक होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको हम डायमेंशन करते हैं। आइए करते हैं इस बैटरी का लाइव रिव्यू और जानते हैं इस बैटरी के बारे में स्टेप बाय स्टेप। फुल चार्ज में 80 प्लस जाएगा। फुल चार्ज में 80 प्लस जाएगा जी। तो अभी कैसे पता चल रहा है कि बैटरी सही है? बैटरी सही है, अभी 52 वोल्ट है इसका। 52 वोल्ट है तो 80 किलोमीटर चल गया ये? नहीं, अभी चला 45 है? 45 किलोमीटर, 45 चल गया। तब बिटू चल गया। तो गाड़ी खराब है तो तुम कैसे डिक्लेयर करेगा कि बैटरी खराब है कि गाड़ी खराब है? चला के चेक करेंगे तो फिर टेस्टिंग करेंगे इसको। इसको दूसरे गाड़ी में चला के टेस्टिंग करेंगे। तो क्या खराब आता है आखिर गाड़ी में? क्या खराब आता है कि बैटरी सही रहते हुए? गाड़ी में तो क्या, एक्चुअली जैसे कि इसमें कभी वायर शॉर्ट हो गया आपका, या फिर मोटर शॉर्ट हो गया, या फिर कंट्रोल शॉर्ट हो गया, ये 3 चीज शॉर्टिंग होता है। या फिर बैलेंसिंग रॉड अगर मिसमेल होगा तो फिर गाड़ी एक साइड चलेगा, लोडिंग चलेगा, फिर जाम चलेगा। तो बैलेंसिंग रॉड कहाँ होता है? नीचे होता है। ये गाड़ी के नीचे होता है बैलेंसिंग रोड। इससे क्या होता है कि बैलेंसिंग में जब हिला होता है ना, तो सारा लोड पड़ता है कमानी के ऊपर, ये पत्ती के ऊपर। अच्छा। और ये गाड़ी झुकता है, झुकने के बाद ये ब्रेक टाइट होता है, टाइट ये चक्का जाम करता है, चक्का जाम कर देता है, गाड़ी नहीं बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा मगर लोड में बढ़ेगा, तो बैटरी का माइलेज भागेगा। यही बैलेंसिंग रोड होता है ना। ये ब्रेक रोड है, अगर ये जिस गाड़ी में ये नहीं रहेगा, पूरा वेट पड़ेगा कमाने के ऊपर, जब कमाने के ऊपर लोड पड़ेगा तो फिर टायर को जाम करेगा। तो ये फैलेगा, फिर इसमें पूरा इस सड़ जाएगा, चक्का सटने लगेगा, इस फिर आपको चक्का घूमने नहीं देगा और ऐसे तो घुमाएगा इसको, मगर लोड पड़ेगा फिर आपका बैटरी का माइलेज आएगा। अगर कोई कस्टमर बोलते है कि भैया मेरा बैटरी नहीं चल रहा, तो उसको उसके बैटरी को उतारते हैं, अपने गाड़ी में लगाते हैं और चला करके चेक करते क्या दे रहा है माइलेज। आज हम लोग चेक करने वाले हैं ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी है जो कि है 51 वोल्ट, फुल चार्जिंग पे 53.1 वोल्ट। हाँ सही बोल रहे हैं। पॉइंट आता है। तो ये क्या सिस्टम है, ये क्या किस लिए दिया हुआ है? ये सर रीसेट है, बैटरी स्लीप मोड में जाने के बाद उसको रीसेट दबाते हैं। और मैं दिखा दूँ। ये किस लिए दिया हुआ है? ये मास्टर रीसेट है, स्लीप मोड में बैटरी चली जाती है उसके लिए। अच्छा, तो स्लीप मोड में ये कब जाता है? बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तब जाता है, या कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तब जाता है। अच्छा अच्छा, तो कितना अगर डिस्चार्ज हो जाएगा बैटरी तो ये स्लीप मोड में जाएगा? 42 तक जाएगा तो स्लीप मोड में चली जाएगी। अच्छा, 42 वोल्ट जाएगा तो ये स्लीप मोड में जाएगा। तो अगर ये स्लीप मोड में चल गया तो हम चार्ज में लगाएंगे तो चार्ज लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। तो इसको एक बार दबाना पड़ेगा। कितना देर तक दबाना पड़ेगा? हल्का एक बार पुश करके छोड़ देना है। उसके बाद ये चार्जिंग का ये कनेक्टर हो गया इसका, चार्जर लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे आ रहा है इसका चार्जिंग का कनेक्टर, तो ये चार्जर में लगा देना है, 48 वोल्ट वाले में ये चार्जिंग करने लगेगा और यहाँ से ये गाड़ी में कनेक्ट हो जाएगा डिस्चार्जिंग। क्या वारंटी में आ रही है बैटरी? 3 इयर्स वारंटी है, रिपेयरेबल है। इसका लाइफ 5 इयर्स। अभी कंपनी कितने साल के गारंटी दे रहा है इसको? 3 इयर्स, 3 साल का गारंटी है। वारंटी नहीं होता, तो ये रिपेयर होगा। हाँ।
तो ये बैटरी रिपेयर होगा मतलब तीन साल तक ये रिपेयर होगा, कंपनी फ्री में रिपेयर करके देगा, तो इसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा ना? इसका रिप्लेसमेंट नहीं होता, लिथियम बैटरी। चला मर गए। ये बैटरी आखिर कस्टमर क्यों लगवाएगा? इसलिए लगवाएगा कि मेंटेनेंस फ्री है। इसमें पानी पूनी कुछ नहीं डालना है। तो दाम तो ज्यादा लग रहा है इसका, 1 लाख का बैटरी पड़ेगा। ये तीन साल वारंटी भी तो दे रही है कंपनी। 3 साल की गारंटी है और 5 साल लाइफ है इसका। 5 साल लाइफ है, 5 साल तक ये चलेगी 60-70 के माइलेज में। 5 साल तक, यस। और तो चाहिए घंटा, और 4 से 4 से 4.5 घंटे में बैटरी फुल चार्ज होता है। तो 4 घंटा में फुल चार्ज हो जाएगा। 4 से 4.5 घंटे में बैटरी फुल चार्ज। और इसमें क्या है, ये बैटरी तो लेड एसिड वाला जो है इसमें भी लग सकता है। ये लग सकता है, वायरिंग चेंज होगा, वायरिंग चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, उसी हो जाएगा, पीछे वाला सीट में सेट हो जाएगा, बस वजन भी कम हो जाएगा।